यंग लर्नर के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर श्रीवास्तव तो आप सभी का अभिवादन करता हूं। अभी देखिए चर्चा में ये बना है कि समुद्र में भारत और बांग्लादेश की जो नौसेना है उसका सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया गया और इससे बताया जा रहा है भारत की ताकत बढ़ेगी। तो आइए जानते हैं कैसे भारत की ताकत बढ़ेगी इसके बारे में। आपको बता दें इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी जो है वो कोऑर्डिनेट पेट्रोल कॉर्पेट जो है उसका चौथा संस्करण जो है बंगाल की उत्तर जो खाड़ी है उस खाड़ी में शुरू कर दिया है। वहीं यह अभ्यास अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा पर हो रहा है। बता दें जो दोनों सेनाएं हैं उन दोनों सेनाओं की जो जहाजें हैं वो भाग ले। वहीं भारत की देखें तो भारत की जो दो स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय युद्धपोत है कोरा और सुमेधा ये दोनों भाग ले रहे हैं। वहीं बांग्लादेश की जो देखें तो बांग्लादेश की नौसेना की जो जहाजें अली हैदर और अली उबेदा ये युद्ध अभ्यास में भाग ले रही हैं। वहीं देखें तो इस बार चौथा संस्करण लॉन्च किया गया। तो इससे पहले जो है 2018 में जो है पहला जो कॉर्पेट था वो आयोजित किया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच। जानते हैं जो ये अभ्यास हो रहा है उसका उद्देश्य और महत्व क्या है। देखिए ये जो अभ्यास है इसका उद्देश्य ये है कि जो नाविक है उनका विकास करना, साथ ही उन्हें उड़ान अभ्यास भी कराना और जो नौसेनाएं हैं उन नौसेनाओं के साथ एक द्विपक्षीय अभ्यास है उस द्विपक्षीय अभ्यास में उन्हें अपग्रेड कराना भी है। वहीं इस अभ्यास का उद्देश्य ये भी था कि पारस्परिक संचार को विकसित करना और जो सर्वोत्तम प्रथाएं हैं उन सर्वोत्तम प्रथाओं को भी साझा करना था। 4000 किलोमीटर से जो अधिक की एक सामान्य क्षेत्रीय सीमा है और जो समुद्री सीमा है उसके साथ जो है भारत और बांग्लादेश कॉर्पेट ने जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास गश्त करते हुए सहयोग को भी प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा है। तो अब हम जानेंगे कि जो कार्पेट है जो चर्चा में बना हुआ है तो ये कार्पेट क्या है, आइए इस कार्पेट के बारे में हम जानते हैं। आपको बता दें हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा और जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए कार्पेट अभ्यास अर्थात कार्पेट सैन्य अभ्यास जो है वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है। भारत जो है अलग अलग देशों के साथ कॉर्पेट अभ्यास करता है। आपको बता दें भारत इंडोनेशिया के साथ करता है, वियतनाम के साथ करता है, फिलीपींस के साथ करता है, सिंगापुर के साथ करता है, थाईलैंड के साथ, केन्या के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ, कतर के साथ, ब्रुनोई के साथ, बहरीन के साथ, मिस्र के साथ, ब्रिटेन के साथ और जर्मनी के साथ। तो इन सभी देशों के साथ जो है भारत जो है कॉर्पेट अभ्यास करता है। जो अभ्यास होता है इस अभ्यास का उद्देश्य ये होता है कि हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में वाणिज्यिक नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और साथ ही वैध सामुद्रिक जो गतिविधियां होती है उन गतिविधियों के संचालन के लिए उस क्षेत्र को सुरक्षित रखना और उनकी सुरक्षा करना भी इसका उद्देश्य होता है। जो भारत सरकार की जो सागर पहल है उस सागर पहल के तहत भारत सरकार के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में भारत की जो नौसेना है उस नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र के जो देश होते हैं उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहने का लक्ष्य भी रखती है और उनके जो है जो भी योगदान हो सके उन योगदान में वो सब भारत सरकार सदैव सक्रिय रहती है। उम्मीद करता हूँ आप जो है भारत बांग्लादेश नौसेना का जो सैन्य अभ्यास है उसके बारे में और जो कार्पेट है उसके बारे में आपने जाना होगा। वहीं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद जय भारत।